हेलो दोस्तों, खेल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 47 के बारे में, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, मैच एनालिसिस एंड एडवांस प्रिडिक्शन के बारे में। अगर आपको विनर प्रिडिक्शन चाहिए या सेशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैच प्रीव्यू की बात करते हैं तो अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर है। कोलकाता ने टोटल 8 मैच खेले हैं जिसमें से 5 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल नंबर 5 पर है। दिल्ली कैपिटल ने टोटल 10 मैच खेले हैं जिसमें से 5 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं। तो इस मैच में कौन जीतेगा, क्या दिल्ली कोलकाता को हरा पाएगी या नहीं, मैच हाई स्कोरिंग रहेगा या लो स्कोरिंग, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से जरूर देखना। शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 से। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे फिलिप साल एंड सुनील नारायण, ये दोनों की जोड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद आते हैं अंकरिश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। अगर हम यहाँ से टॉप पिक्स की बात करें तो फिलिप साल्ट एंड सुनील नारायण, आपको इन दोनों को जरूर पिक करना है, इनमें से आपको किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है। श्रेयस अय्यर भी अच्छी खासी फॉर्म में आपको नजर आते हैं एंड रिंकू सिंह आपको फिनिश करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आंद्रे रसेल भी एक अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं, इसी के साथ साथ ये बॉलिंग से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपको आंद्रे रसेल को भी जरूर पिक कर लेना है। देखो दोस्तों, लास्ट मैच में मिचेल स्टार्क की जगह दुश्मंता चमीरा खेले थे, तो मे बी इस मैच में भी दुश्मंता चमीरा खेल सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही ज्यादा फ्लॉप हो गए थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में से आपको हर्षित राणा को एंड वरुण चक्रवर्ती को पिक कर लेना है। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना प्रीवियस मैच खेला है पंजाब किंग्स के खिलाफ। देखो दोस्तों, कोलकाता के लिए फिलिप साल्ट ने 75, सुनील नारायण ने 71 एंड वेंकटेश अय्यर ने 39 रन का स्कोर बनाया था। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, सुनील नारायण ने यहाँ भी एक विकेट जो है वो निकाली है, लेकिन पंजाब ने इसको आसानी से चेज कर लिया था। दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल ने अपनी टीम में काफी बदलाव किए हैं। लास्ट मैच में जो है डेविड वार्नर नहीं खेले थे, तो ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे जेक फ्रेस्को मैकगर्ग, एंड इसी के साथ साथ अभिषेक पोरेल को ओपनिंग का चांस मिला है एंड पृथ्वी शॉ को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद देखने के लिए आपको मिलते हैं ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, शाई होप, त्रिशन स्टब्स, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, खलील अहमद एंड रसिक सलाम। अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट से बात करें, जेक फ्रेस्को मैकगर्ग बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 मैच खेले हैं और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन जो है किया है। ऋषभ पंत भी बहुत ही अच्छे जो है शॉट खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको ऋषभ पंत को भी पिक करना है। इस मैच में हो सकता है मिचेल मार्श ना खेले, लेकिन अगर मिचेल मार्श खेलते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी पिक रहने वाले हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में से आपको कुलदीप यादव को जरूर पिक करना है, इसी के साथ साथ रसिक सलाम भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षय पटेल आपके लिए ऑलराउंडर के लिए अच्छा पिक रहने वाले हैं। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल ने खेला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रन का स्कोर बनाया था। जेक फ्रेस्को मैकगर्ग ने 84, त्रिशन स्टब ने 48 एंड शाई होप ने 41 रन का स्कोर जो है बनाया था। देखो दोस्तों, शाई होप ने अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, तो हो सकता है शाई होप जो है बैक इन द फॉर्म है और आप उनको पिक कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मुकेश कुमार एंड रसिक सलाम ने 3-3 विकेट निकाली थी एंड खलील अहमद ने 2 विकेट निकाली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो केकेआर और दिल्ली कैपिटल के बीच टोटल मैच खेले गए हैं 33। केकेआर जीती है 17 मैच एंड दिल्ली कैपिटल जीती है 15 मैच। तो जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो बहुत ही क्लोज है, लेकिन केकेआर का आपको यहाँ पे एक अपर हैंड लग रहा है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। वेन्यू जो है वो रहने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता। ईडन गार्डन में आपको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 210 रनों का रहता है। देखो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और केकेआर के बीच में जो मैच है, इसमें कोई भी शानदार बॉलर जो है नहीं, दोनों ही टीमों की गेंदबाजी जो है एक एवरेज लेवल की गेंदबाजी है एंड इनका जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी शानदार है, तो एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 200 प्लस रन रहने वाला है। जो बैटिंग फर्स्ट करेगी टीम, ये पिच उसको फेवर करेगी एंड बैटिंग सेकंड वाली टीम को यहाँ पर चेज करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पिच पर प्रीवियस मैच जो है वो हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। देखो दोस्तों, इस मैच में भी 222 रन बने थे एंड रॉयल चैलेंजर्स ने भी 221 रन बना दिए थे, तो ये पिच जो है एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहने वाला है। इस पिच पे श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई थी, फिलिप साल्ट ने 48 एंड आंद्रे रसेल ने 27 रन का स्कोर बनाया था। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आंद्रे रसेल ने 3 विकेट, हर्षित राणा और सुनील नारायण ने 2-2 विकेट निकाली थी। अगर हम एडवांस प्रिडिक्शन की बात करें, 100% एक हाई स्कोरिंग मैच रहने वाला है। 80% सेशन में आपको यस करके आना है। अगर आपको फुल सेशन प्रिडिक्शन चाहिए और विनर से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।